आपकी ईमानदारी और आपके एक जिज्ञासु दिमाग की वजह से काफी आप चर्चा में रहे। मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, तो मैं उनकी समस्याओं को करा भी नहीं पाता था, इसलिए मैंने धरना और प्रदर्शन शुरू किया। सच और न्याय के लिए हमेशा आप खड़े रहे हैं, जिसके लिए आपको अगर कभी लड़ना भी पड़े तो आपने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। घर वालों को मैं, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे राजनीति। मेरे भाई वगैरह जो है इस बात पर, जो है बड़े भाई वगैरह, कभी कल्पना नहीं किए थे। तो आप किस तरीके से जज करते हैं जब कोई अपनी समस्या आपके सामने लेके आता है? कभी कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं कि मारपीट, चोट खा के आया, किसी के साथ बड़ी घटना हो गई, थाने पे फोन करते हैं, थाने से बता देते हैं कि जो सही है वो करिए आप। 2002 से 3 के बीच में ही आप मुलायम सिंह की सरकार में आप राज्य मंत्री बने थे, क्या तभी आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी? 2002 में मैं CPI में था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, मेरा विवाद हुआ, फिर मैंने अलग पार्टी बनाई। इसी विवाद के चलते आपने BJP की तरफ रुख किया। 2012 में भी मैं MLA का चुनाव फिर 1403 वोट से हार गया। तब तक मैं राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पारक महासंघ को लेकर के काम करता रहा। तो सर, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से आपको मोदी जी के कैबिनेट में आपको जगह दी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई इस तरह का ना वो था, ना मैंने कहा, और इस संबंध में ना मैंने कभी किसी से अपनी कोई डिमांड कभी मैंने नहीं रखी।